में एससी एसटी जातियों की सब कैटेगरी को लेकर बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का फैसला आ चुका है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट एसटी जातियों की सब कैटेगरी बना सकती है। वहीं आपको बता दें कि 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया है। एससी एसटी कोटे में उपवर्गीय किया जा सकता है इसको। 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है। एससी एसटी कोर्ट में उपवर्गीय इसको किया जा सकता है। बड़ी जानकारी है इस मामले में। जातियों की सब कैटेगरी को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का बड़ा फैसला इस मामले में सामने आया है। राज्य सरकार एससी एसटी जातियों की सब कैटेगरी बना सकती है। 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया। दीपक इस खबर पर मौजूद है। दीपक, एससी एसटी जातियों की सब कैटेगरी बनाई जा सकती है बहुत जल्द? जी बिल्कुल साथी, बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि एससी एसटी जातियों को लेकर जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसे साफ तौर पे कहा गया है कि एससी एसटी को लेकर के सब कैटेगरी राज्य सरकार बना सकती है। क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जाए आरक्षण की बात की जाती है, जिस तरह से तमाम जो कैटेगरी की बात की जाती है, और उसी में अब एससी एसटी कैटेगरी को भी सब कैटेगरी में बांटा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, यदि हम दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जो उनको सुविधा नहीं मिल पाता है, वो और भी पिछड़े रह जाते हैं। तो उनको लेकर के अब राज्य सरकार तय करेगी कि किसको सब कैटेगरी में रखना होगा और उनको कितनी और सुरक्षा दी जाएगी, या फिर उनको क्या सुविधाएं दी जाएगी अधिक, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, जिससे कि उनके पढ़ाई में या फिर अन्य जो भी विभाग है उनको आरक्षण दिया जाए उन सभी चीजों में, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से लगातार आरक्षण को लेकर के विवाद सामने हुआ था, आरक्षण को लेकर के तमाम बातें भी हुई थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज 7 जजों की संविधान पीठ ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच में सब कैटेगरी बना सकती है, और जो अधिक पिछड़े हैं उनको वो आगे कर सकती है, उनके लिए अधिक जो आरक्षण है, आरक्षण का जो सीमा है वो तय कर सकते हैं। ये राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, और उन जातियों को लेकर के और भी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है जिनको वाकई में सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जो एससी एसटी कैटेगरी में होने के बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, वो जो आरक्षण का लाभ है वो उनको नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको सब कैटेगरी में बांटा जाएगा, और सब कैटेगरी में बांटने के बाद उनको अधिक सुविधा मुहैया करवाया जाएगा, जिससे कि उनका जो जनजीवन है वो आसान हो जाएगा, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो या फिर नौकरी को लेकर के हो, तमाम विभाग को लेकर के अब उनको और भी सुविधाएं दी जाएगी। ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि एससी एसटी के बाद जो सब कैटेगरी बनाया जाएगा उसको। चलिए बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारी देने के लिए।